सर सर बहुत शुक्रिया। मैं कभी इस तरह आपको तंग नहीं करता, लेकिन मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पर रोज़ हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पर बम फटते हैं। लेकिन जो साढ़े तीन महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात। सलाहुद्दीन साहब, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे? अब माइक पर आए। हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिर्फ ने भी। अरे पार्टियों ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। थैंक यू, आपका पॉइंट आगे। थैंक यू। आइटम नंबर 2, मिनिस्टर।